आज मैं छेना खुरमा बनाने जा रही हूँ, उसकी रेसिपी बता रही हूँ। चलिए दिखाते हैं। और जिसने अभी तक ले मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिए, मैं बहुत आसान तरीके से आपको हर रेसिपी बताऊँगी। आज मैं छेने की खुरमा बनाने जा रही हूँ, उसकी रेसिपी बताती हूँ। ये 200 ग्राम मैंने छेना लिया है, 200 ग्राम चीनी है। इसको कुकर में हम फटाफट जल्दी जल्दी बनाएंगे, 10 मिनट के अंदर में ये मीठा बन जाएगा, तुरंत के तुरंत मिठाई बनेगी। इसकी रेसिपी मैं बना के दिखा रही हूँ आपको। हम कुकर में चीनी पहले डाल देते हैं, इसी से एक प्याला पानी डाल देती हूँ। ये बहुत जल्दी बनती है और बहुत खाने में स्वाद होती है। ये बिहार का फेमस मिठाई है, खुरमा बोलते हैं छेने की। अब इसमें मैं गैस चालू कर देती हूँ। ये उबाल आने के बाद मैं पनीर डाल दूँगी और इसको एक सीटी लगा दूँगी। ये देखिए उबाल आ गई है, इसमें मैंने 4 इलायची और सारा छेना ये डाल दिया। अब मैं इसमें सीटी लगा दूँगी। ये बहुत जल्दी बन जाती है, ये 5 मिनट में ये मिठाई तैयार हो जाती है। हालांकि उधर तो कढ़ाई में ये लोग बनाते हैं तो 1.5 से 2 घंटा लगती है, लेकिन कुकर में बनने पर तुरंत के तुरंत सीटी लग जाने के बाद इसको तैयार हो जाता है। और ये खाने में बहुत स्वादिष्ट और बहुत अच्छा होता है। अब सीटी लग जाएगी थोड़ा देर में। अब मैं बंद कर देती हूँ गैस और इसका भाप निकलने के बाद मैं खोल के आपको दिखा रही हूँ कैसा कलर आ गया है। ये बहुत अच्छा पक जाता है अंदर से, क्योंकि इसको कुकर में डाल देने से जल्दी पक जाती है, नहीं तो कढ़ाई में बहुत टाइम लग जाती है। अब कुकर को गैस निकल गया है, अब इसको मैं खोल के देख लेती हूँ। अब इसे मैं फ्राई पैन में डाल देती हूँ गाढ़ा होने के लिए। गैस पर चढ़ा देती हूँ। गैस चालू कर देती हूँ, क्योंकि इसका अंदर जितना चीनी जाना था वो कुकर के अंदर जाकर पूरा चीनी चला गया। अब इसको गाढ़ा होने के बाद इसका कलर चेंज हो जाएगा और मेरा खुरमा तैयार हो जाएगा 5 मिनट के अंदर में। देखिए इसमें उबाल आने लगा और ये धीरे धीरे मीडियम ताप में अच्छे से पक जाने के बाद इसका कलर चेंज हो गया। देखिए कितना खिला खिला लग रहा है और ये खाने में बहुत अच्छी लगती है मिठाई, अब बहुत जल्दी बन जाती है। मैंने इसमें थोड़ा सा कलर भी डाला, आपको इच्छा हो तो डालिए, नहीं इच्छा हो तो मत डालिए। देखिए अब बनने वाला है, अभी तार नहीं बना है, जब कड़ा हो जाएगा तो बंद कर दूँगी ना। देखिए अब तैयार होने वाला है, देखिए ये कड़ा हो जाएगा एकदम। कलर इसलिए देते हैं ना कि देखने में सुंदर भी लगता है। इसको चाशनी देखने के लिए थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए। ये देखिए थोड़ा 2 मिनट और, ये देखिए मैंने कम कर दिया। ये देखिए अब तैयार है ये। अब मैं गैस को बंद कर दूंगी।
अब इसको बंद करके देखिए, गैस बंद कर दिया और धीरे धीरे चलाते रहें, ये तैयार हो जाएगा। ये देखिए ये तैयार हो गया, मैंने सब करके दे दिया। और देखिए ये कितना कड़ा हुआ है, इसे एक बार जरूर बनाइए और इसे बनाइए जरूर, और बहुत अच्छा लगता है खाने में, स्वादिष्ट रहता है। ये बिहार का फेमस मिठाई है। थैंक यू।